Uh-huh. <sighs> हाई एवरीबेरी स्वागत है आप सबका एक बारी फिर से टू द दफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर्स अडर ट्वेंटी दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर अक्षिता नेयर वंस अगेन यहाँ पर वी हैव कैदर टुगेदर ताकि हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकें अपने इंग्लिश सेक्शन को लेकर स्टूडेंट्स जैसे कि तुमको पता है कि सैटरडे को मॉक टेस्ट रहता है तो एक टाइप ऑफ आप समझ सकते हो कि ये एक प्रिपेयर किया जाता है तुमको कि भैया मंडे से फ्राइडे हम लगे हैं पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं नए वर्ड सीख रहे हैं ईडीएम सीख रहे हैं एंटेनिम्स इनिम्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीख रहे हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स वी आर लर्निंग दैम ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कि एक बार ही देख लेते हैं कि भाई आज हम किस प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले देखिए पहले कुछ सवाल हो सकता है आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड आई थिंक सिर्फ एक ही वन वर्ड वाला है उसके बाद हम एंटेम्स करेंगे और एंटोनिम्स uh, के बाद एक बार ही बता देती हूँ कि फोकस किस पे रहने वाला है सो so, बेसिक जो प्राइम फोकस आज हमारा है दैट इज़ ऑन सिनेम्स एंटनिम्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक आधा सवाल रहेगा एंड उसके अलावा जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रहेंगे स्पेल चेक के मतलब पूरा जो आज का सेशन है ना तुम तो उसको वो कैब्यूलरी डोज का नाम दे सकते हो भैया हम अपनी वो कैब को सुधार रहे हैं आज तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं मेरे साथ एक बार फट से इस सेशन को आप लोग लाइक कर दो शेयर कर दो एंड हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी हाय रजत सौरभ पल्लव सरोज कुमार यादव सबका स्वागत है चलते हैं पहले सवाल पर पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है Hmm. पड़ोसी ठीक है एक सेकंड रुकिए प्लीज ऑल <coughs> राइट right, बहुत बढ़िया देखिए यहां पर सवाल कहता है कि भैया अः उस व्यक्ति को हम क्या नाम दें जो कि छुपके छुपके दूसरों की बातों को सुनता है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है एमेसरी uh, देखिए जो वर्ड एमेसरी है उसका मतलब क्या होता है ऐसा व्यक्ति जिसको तुम एक स्पेशल मिशन पर भेजते हो है ना एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री देखिए हमारे फॉरन मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम डिप्लोमैट्स बोलते हैं डिप्लोमैस यानी कि वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर कोई लफड़ा झमेला होता है तो पीसफुल टॉक्स के लिए वो इनिशिएशन करते हैं तो इसे हम मतलब एमिसरी बोलते हैं वो आपका आंसर नहीं हो सकता कोई तो बोल रहा है स्पाई बेटा स्पाई कैसे होएगा क्या होता है वो छुपके छुपके बातें नहीं सुनता है वो तो जासूसी करता है ना और डिटेक्टिव द सेम सो यहाँ पर ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते भाई ये तो जासूस है अगर तुमने छुपके छुपके अपने दोस्त की बात सुन ली तो तुम स्पाई हो तुम्हें कोई मिशन पे भेजा है बिल्कुल भी नहीं आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी विच इज ईव्स ड्रॉपर ईव्स ड्रॉपर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति है ना दूसरे दो व्यक्तियों की बातों को वो सुन रहा है सपोज करो तुम और तुम्हारे अः से भाई कोई बात कर रहे हैं और आकर तुम्हारी बहन सुन ले तो वो क्या कर रही हैं वो कर रही है ईव्स ड्रॉपिंग दो लोगों की बात सुनने की एक्टिविटी को हम बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग और जो व्यक्ति ये एक्टिविटी करता है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है ही रखिए ईव्स ड्रॉपर के स्पेलिंग्स पर भी हमें फोकस करना है तो देखिए पहले लिखना है तुमको ईव्स ईव्स के स्पेलिंग्स देखिए ई ए ई एस उसके बाद ड्रॉपर दवाई में होता है ना ड्रॉपर ही होता है है ना जो कि थोड़ी दवाई पिक कर लेता है फिर अगर आपने लगानी है या सीरम्स होते हैं बहुत सारे सो यॉप इस प्रकार आप याद रख सकते हो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अगले देखिए पहले बता चुकी हो सारा जो हमारा आज प्राइम फोकस है वो आपकी वो कैप पर है तो हम बहुत सारे सारेम्स एंटेनिम्स एंड मे बी मोर वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दैर ठीक पहले क्वेश्चन पे चलेंगे सवाल है डिस्पेयर डिस्पेयर का उल्टा अर्थ वाला शब्द बताइए फटाफट uh <laughs> बहुत सारे लोग यहाँ पर एनर्जेटिक बोल रहे हैं क्या सेकंड का बी बोल रहे हो तुम लोग आई यू श्योर बड़ी सारी गलतियां यार यहाँ पर देखिए क्या होता है डिस्पेयर का मतलब है कि जब तुम होपलेस हो गए तुम्हें किसी चीज की उम्मीद ही नहीं है कि भाई हो जाएगा ये उसे हम डिस्पेयर बोलते हैं कि यार वो व्यक्ति होपलेस है ही डजेंट एनी होप आप दे रहे हैं आंसर एनर्जेटिक बेटा एनर्जेटिक क्या होता है कि ऊर्जा है एक व्यक्ति एक्साइटेड है वो एक्टिव है इसका होप से लेना देना कुछ है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या होना चाहिए आंसर एक और तुम्हें मौका देते हैं डिस्पेयर है होपलेसनेस कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा है ना क्लोजेस्ट यहाँ पर जो आंसर है कोई तो कॉन्सिक्रेटेड बोल रहा है चलो यहाँ पर मैं बता दू एक चीज एग्जैक्ट आंसर वैसे कोई भी लग नहीं रहा बट क्लोजेस्ट आपको फाइंड करना होता है तो डिस्पेयर क्या होता है डिस्पेयर होता है एबसेंस ऑफ होप उसे हम डिस्पेयर बोलते हैं कंटेंटमेंट क्या होता है कि तुम संतुष्ट हो तुम सैटिस्फाइड हो इसे हम बोलते हैं सैटिस्फैक्शन बोलेगा राइट right? That is correct, बिल्कुल बिल्कुल Assert का मतलब क्या होता है जब तुम कोई बात को you know, बड़े confidence के साथ बोलते हो उसे हम बोलते हैं असर्ट करना तो बहुत हम बोलते ना कोई तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके कोई बात बोलता है कॉन्फिडेंटली बात को बोलना यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्फिडेंटली बात बोलना एनर्जेटिक क्या होता है एक व्यक्ति जो एक्टिव है फुल ऑफ एनर्जी है फुल ऑफ ऊर्जा है उसे एनर्जेटिक बोलिएगा कॉन्क्रेटेड क्या होता है अगर आप एक जगह को बोल देते हो भैया ये है पवित्र तुम बोल दो कि भाई ये एरिया कॉन्सक्रेटेड है यानी कि ये एरिया क्या है ये सीक्रेट है ये पवित्र है तो यहाँ पर अगर आप खुद देखेंगे ऑफ होप का उल्टा क्या होगा कोई लग नहीं रहा बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर वैसे होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक लेकिन क्लोजेस्ट आंसर देखिए ये नहीं हो सकता है होप का एनर्जी से कुछ लेना देना है नहीं पवित्र का भी लेना देना नहीं है और कॉन्फिडेंटली बात बोलना उसका भी लेना देना है नहीं आंसर देखिए होना क्या चाहिए हमारा डिस्पेयर का आंसर शुड भी यहाँ पर properly होता है ना assert का मत मतलब. property बेटा वो asset होता है my dear क्या हो गया वो asset होता है assert नहीं होता तो वैसे ये थोड़ा बेकार सा क्वेश्चन बोलूंगी मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम चेंज कर देंगे आंसर हमारा यही होना चाहिए ऑप्टिमिज्म ऑल राइट ये क्वेश्चन में ही गलती है ए भी नहीं मानूंगी मैं आंसर मतलब कंटेंटमेंट भी नहीं मानूंगी आंसर और जो बोल रहा है एसर्ट आप एसेट और एसर्ट में कन्फ्यूज uh, हो रहे हैं वो एसेट अकाउंट्स वाला होता है ए डबल एस सी टी इसका मतलब कोई जायदाद है तुम्हारे पास कोई चीज तुम्हारे पास है है ना जिसका फायदा है उसे एसेट बोलते हैं हम लोग चलिए आंसर क्या रहेगा ऑप्टिमिज्म दैट इज ऑप्शन नंबर है आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट इट तो कई बार पेपर में देखा भी जाता है कि यू uh, नो you know, उल्टे सीधे वर्ड्स दिए जाते हैं फिर बच्चे वहाँ पर डालते हैं कि ये तो गलत क्वेश्चन है एंड एवरी थिंग प्ली डालते हैं सो so, ये केसेस देखे गए हैं एनी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे Right. जल्दी से आंसर दो इतना टाइम नहीं लगाना है हमको वेरी गुड एवरी बेरी देखिए कि भाई समझता तो, कि तुम्हें किसी निर्णय लेने की जो क्षमता है मतलब कि जिसे हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बोलते हैं कि तुम अच्छी जजमेंट्स करते हो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है अच्छी है उसे हम क्या बोलते हैं एक्यूमेन दैट इज गुड डिसीजन मेकिंग पावर कहने का मतलब है भाई तुम हो समझदार समझदार बोलो चलाको बोल बोलो इसे जो मर्जी बोल लो तुम इस सेंस में मतलब तुम पागल नहीं हो बेवकूफ नहीं हो तो यहां पर देखिए डिमोलिश का मतलब क्या है डिमोलिश का मतलब है तबाह करना यानी डिस्ट्रॉय करना इसका कुछ लेना देना है नहीं समझदारी से असिस्ट का मतलब क्या होता है असिस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की हेल्प करते हो यानी कि आप दो साइल कर, चुक, कर चुके हैं अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात बड़े आराम से मानते भैया you know? उस, ग्लास ऑफ कर देते तो ग्लास ऑफ कर देता है उसे बोलो पोचा लगा दे पोचा लगा देता है उसे बोलो कि सोझा सो जाएगा सो so, इन टर्म्स ऑफ अगर एक व्यक्ति दूसरे का कहना फट से मान लेता है इसे इसके लिए एक और वर्ड करवाया गया जिसे हम बोलते हैं सब सब क्या होता है आराम से बात मान लेता है डोसाइल भी वही होता है आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी विच इज वर्ड बुद्धि है तुम्हारे अंदर इंसान क्या है इंसान श्रूड है इंसान क्या है इंसान फ्लेवर है वो क्या है वो है एस्ट्यूट ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं, दे आर फ्लेवर समझदार वाइज चिलाक चलाकी वाला जो तो समझदार होता है ना वो वाला ठीक है तो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी अगले सवाल पर चलेंगे द वर्ड इज नोवेस आपको इसका एंटरनेम बताना है हम्म hmm. एक्सेलेंट जॉब देखिए नोविस क्या होता है नोविस ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड होता है यानी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में वो नया नया आया होता है है ना न्यू इन अ फील्ड फील्ड यानी कि वो मैदान वाला फील्ड नहीं मतलब किसी भी जॉब में किसी भी एरिया में वो नया है ठीक है ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसको एक्सपीरियंस तो होगा नहीं भैया इनएक्सपीरियंस्ड है वो है ना तो ट्रिकी पहले ट्रिकरी की बात कर लेते हैं ट्रिकरी का मतलब है कि भैया धोखे दाढ़ी ओके धाड़ी बोलते हैं धाड़ी होता है जो भी धाड़ी होता है इसे हम और वर्ड बोल सकते हैं मतलब इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं डिसेप्शन समझते हो ना डिसेप्शन क्या होता है डिसेप्शन होता है किसी को धोखे देने की जो एक्ट होता है उसे हम डिसेप्शन बोलते हैं ए बाय एलिमिनेशन वेरी गुड सिंसेअरिटी का अर्थ क्या होता है कोई कितना सिंसेयरली एक काम करता है कितनी श्रद्धा से एक काम करता है, है ना या फिर एक व्यक्ति जो बिल्कुल अगर सिंसेयर है तो मतलब आराम से तुम्हारी कहना मान लेता है डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है Continuous लगातार चलता रहता है continuous क्या होता है? जिसमें हल्के फुलके गैप्स होते हैं सो आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए विच इज वेटरन आपने ये वर्ड बहुत बारी सुना होगा इनफैक्ट मैंने मुझे लगता है तब सुना था कि ये जब अवार्ड शोज नहीं होते हैं जैसे आइफा अवॉर्ड होते हैं उसमें बोलते हैं ना वेटरन एक्टर्स है ना वेटरन एक्टर्स का मतलब क्या है कि ये एक एक्टर ऐसा है जिसको इस एक्टिंग फील्ड में बहुत ज्यादा क्या है एक्सपीरियंस है जरूरी so, नहीं है कि एक्टिंग में ही हो किसी में भी हो सकता है ऑल्सो वेटरन जो वर्ड है बिल्कुल सही बोला है आपने कि वेटरन जनरल भी होता है इसका मतलब आप आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी में कि नेवी में कि एयरफोर्स में एक पहले तो मेंबर रहे थे एक्स मेंबर so, एक वेटरन का अर्थ क्या है कि बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है और एक वेटरन का अर्थ ये भी है कि इंसान जो व्यक्ति है वो क्या था वो एक्स मेंबर था किसका आर्म्ड फोर्सेस का आर्म्ड फोर्सेस में तुम्हारी आर्मी नेवी वो सब आता है ओके okay. इंग्लिश uh, हमें हमें इंग्लिश एकदम नहीं आती है क्या करें यार अब इसके लिए तो देखो सबसे पहले तो नियम बनाओ है ना पहले तो तुम्हें बेसिक्स सीखने प, पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस कैसे बनता है सब सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट देन एडवर्ब क्या है एडजेक्टिव क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं ये सब सीखने पड़ेंगे अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो ऑल राइट ठीक है तो ये बेसिक्स से तुम्हें सिखाया जा रहा है उसमें जो मेरा कोर्स है उसमें आई थिंक वन वीक की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं सेकंड वीक स्टार्ट हुआ है जिसमें कि आपको पहले टॉपिक नाउंस करवाया था उसके बाद टेंसेस करवाया था टेंसेस जो कर लेता है वो बहुत कुछ सीख जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मिटिगेट मिटिगेट का तुम्हें एंटोनिम बताना है नहीं मैंने नहीं पहचाना जास्त मिनट वेरी गुड एवरी बारी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है अगर किसी को कोई पीड़ा है कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो उस परेशानी की जो इंटेंसिटी है अगर किसी को बहुत दर्द है किसी बीमारी में है ना तो अगर उस इंटेंसिटी को कम कर दे मतलब उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम मिटिगेट बोलते हैं बेसिकली कम करने को हम मिटिगेट बोलते हैं टू रिड्यूस समथिंग टू लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग टू डिमिनिश समथिंग पता नहीं यार मैंने किसी को कभी ऐसा नहीं किया ठीक so, कि है, तो तो है? मतलब है? केयरलेस का मतलब क्या है अगर एक व्यक्ति केयरफुल है तो भाई बहुत ध्यान देता है केयरलेस मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कुछ भी करता रहता है कंसाइज का मतलब क्या होता है जब तुम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो <coughs> साफ साफ लेकिन आपने बहुत ही कम शब्दों में इंफॉर्मेशन दी है यानी कि तुमने शब्द कम इस्तेमाल किए हैं लेकिन क्लियरली सब कुछ समझाया है ब्रीफ में क्लियरली बताना उसे हम क्या बोलते हैं उसे कंसाइज बोलते हैं एब्जोल्व का मतलब क्या होता है एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को Uh, अगर सपोज करो किसी के ऊपर इल्जाम लगा कि भैया तूने कत्ल किया है कि तूने चोरी किया। इस इल्जाम से जब एक व्यक्ति को आप रिहा कर देते हैं मुक्त कर देते हो है ना आपने उसको गिल्टी बोला था लेकिन अब बोल दो कि नहीं तुम गिल्टी नहीं हो इसे हम क्या बोलते हैं <coughs> एब्जॉल्व करना एब्जॉल्व के और भी बहुत सीनेम्स हैं जैसे कि डिस्चार्ज करना या फिर एक्जोनरेट करना एक्विट करना ये सब कुछ हम कर चुके हैं पहले भी एक्सोनरेट करवाया गया आपको एक्सकल्पेट कर एक्सकल्पेट करवाया गया है एक सेकेंड भाई मेरे को नहीं याद रहता सो सॉरी है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार ये सब बातें नहीं याद रहती मुझे ठीक है एक्ट हो गया एक्सोनरेट हो गया वैसे हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी विच इज ऑगमेंट अगले सवाल पे चलेंगे यूपीआर वी यू एन आई की क्लासेस उसका बैच स्टार्ट हुआ है क्या मेरे को आई एम सॉरी बट मुझे नहीं पता है उसके बारे में यूपीआर वी यू एन एल के बारे में अगले सवाल की बात करते हैं द वर्ड इज बैनोरेबल बैनोरेबल का एंटोनिम बताइएगा करो वैसे आसान है देखो एक ट्रिक बताती हूं मतलब काफी में काम आ भी जाती है। जो है, जो कोई मुझे बता सकता है तुम्हें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लग रहा है पार्ट ऑफ स्पीच माने तुम्हें नाउन लग रहा है कि एडजेक्टिव लग रहा है कि वर्ब लग, लग रहा है अच्छा ठीक है हल्का हल्का याद आया मुझे हां जी बताइए मुझे बस ये बता दो कि आपको ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लग रहा है मैंने आपको समझाया भी हुआ अगर किसी भी वर्ड के पीछे एबल लगा देते हो मतलब तुम काबिलियत बता रहे हो यानी यहाँ पर ये क्या है ये एक एडजेक्टिव है ये एक विशेषण है ठीक है तो जाहिर सी बात है मतलब कि यार इसका जो विपरीत होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो भी इसका एडजेक्टिव ही रहेगा तो यहाँ पर देखिए जो इम्प्यूट है और ये जो एक्सीड है ये एक वर्ब है ये वैसे भी आंसर नहीं हो सकते इसका एक अर्थ भी समझ लेते हैं देखिए इम्प्यूट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किसी अन्य चीज से क्या कर रहे हैं उसको रिलेट कर रहे हैं मतलब आप बोल रहे हैं कि ये क्वालिटी जो है ये जो काम है है ना ये इसने किया है फॉर एग्जाम्पल द्राइम्स इम्प्यूटेड टू अभी इन टर्म्स ऑफ ये जो क्राइम है ये जो गुना है ये किसके द्वारा किए गए ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कहता है वो कहता है एक्सीड एक्सीड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की डिमांड को किसी ने तुम्हारे सामने रखी है डिमांड या रिक्वेस्ट कि भैया प्लीज बेनती कर रहा है कि ये कर दो है ना उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम एक्सीड बोलते हैं एक ऑप्शन आपका है अनवर्दी और एक है सफिशेंट यहाँ पर ध्यान से देखो वेनरेबल का मतलब पहले वेनरेबल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है बहुत सम्मान की जाती है या तो इसलिए कि भाई बहुत बुद्धि है उस व्यक्ति में या फिर उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है या फिर थोड़ा हम बोलते हैं ना ओल्ड एज पीपल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सो so ये सारे क्वालिटीज <coughs> वाले व्यक्ति को मतलब वेनरेबल बोलते हैं मतलब सम्बडी हु इज रिस्पेक्टेड जिसका आदर हो सम्मान हो सोसाइटी के अंदर तो यानी जिसका आदर ना हो क्या बोलोगे उसे उससे हम बोलेंगे अनवर्दी इज वर्दी कि लायक है अनवर्दी मतलब लायक ही नहीं है बिल्कुल ना लायक है आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी योर वर्ड्स हेल्प मी अलॉर्ड इन माई एसेज ओके दैट्स ग्रेट आई एम सो हैप्पी टू हेयर दैट हाई गुड इवनिंग क्या बोल रहे हो तुम पर कौन से एसेज अगले सवाल पर चलेंगे देखिए अगले क्वेश्चन हैं आपके सिनेिम्स के ठीक अब हम सिनेिम्स की बात कर रहे हैं थोड़ा टाइपो था वो फ्लेवर नहीं फेवर लिखना था मैंने माई बैट ओके ऑल द वेरी बेस्ट आई नो अबाउट दैट हाउ में होता है पेपर 2 में ऐसे चलिए बहुत बढ़िया देखिए uh, पहले वर्ड्स पे चलते हैं टेस्ट का मतलब है स्वाद प्रोटेक्टर का मतलब है भैया रक्षक बेटा सेवियर नहीं लिखा आदि जनता को यहाँ पर लग रहा है कि ये ये सेवियर लिखा हुआ है है बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से आंखें पढ़ो पहले तो क्राउच लाइक अ चिकन बोला था आपने हाँ अब मैं पहचान गई क्राउच वाली वर्ड पे भी हुआ था ठीक है गॉट इट शॉवर का मतलब क्या होता है खट्टा है हाँ ना जैसे आम पापड़ या नींबू खट्टा होता है कुछ ऑरेंजेस भी होते हैं फेवर का मतलब वो क्या होता है किसी की हेल्प कर देना कैन आई Uh, एक फेवर करोगे कैन यू डू मी अ फेवर समथिंग लाइक दैट है ना तो वैसे यहाँ पर एक चीज समझ लो कि सेवर ये सेवियर नहीं लिखे हैं यहाँ पर पहले तो आप क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ रहे हो ढंग से आज मुझे लगता है बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है देखो सेवियर और सेवर के स्पेलिंग्स में अंतर है सेवियर के स्पेलिंग्स तुम्हारे ये रहते हैं एस ए वी आई ओ उसके बाद हम लगाते हैं यू आर ये बन जाता है सेवियर पॉइंट ये वाला सेवियर नहीं है इसमें वी आई ओ आर नहीं है वी आई ओ यू आर है पहले सेवी उसके बाद ओ यू आर सेवियर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रक्षक लेकिन ये वाला सेवियर तो लिखे ही नहीं है हम हम यहां पर लिखे हैं सेवर तो सेवर का अर्थ क्या होता है इसका मतलब होता है स्वाद आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज हमने क्या डिफरेंस सीखा है टुडे वी हैव अंडरस्टूड वी हैव लर्न द डिफरेंस बिटवीन सेवर एंड सेवियर सेवर है स्वाद और सेवियर है आपका रक्षक है ना गॉट माई पॉइंट ठीक है अगले सवाल पर चलेंगे वर्ड इज वक्त बदल गया जज्बात बदल गई सच में यार तुम उसके ऊपर ही बात करी जा रहे हो कॉलेज में ये कॉलेज में वो पढ़ाई कर लो यार कितना समय है तुम मेरे बात करते हो कुछ कुछ तो चलो चलिए वर्ड इज डेफर पोस्टपोन का मतलब क्या होता है किसी बात को जब आप डिले कर देते हो यानी कि आप उसको टाल देते हो डिफरेंट का मतलब क्या है अगर कोई चीज किसी से डिफरेंट है यानी अलग है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है जब आप किसी की बात को स्वीकार कर लेते हो डिस का मतलब क्या है सहमत नहीं हो बहुत सारी गलतियां यहाँ पर हालांकि ये हम पहले भी कर चुके हैं बट अभी भी गलती है which is not good. चलो. Defer, मैंने ये वर्ड पता है कब सीखा था सिंस आई एम फ्रॉम अकाउंट्स मतलब अकाउंट uh, तो नहीं अकाउंट्स बैकग्राउंड भी नहीं बोल सकते है ना बट मैंने अकाउंट्स के आम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड सो हमारे एक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स उसमें ये वर्ड सीखा था मैंने कि इसको डेफर कर दिया गया है इस एक्सपेंडिचर को डेफर कर दिया उसका मतलब होता था, था कि जो भी खर्चा हुआ है उसको अगले सालों में बांट दिया गया है तो बांट दिया गया मतलब बाद के लिए रख दिया गया है यानी जब आप किसी चीज को डेफर करते हैं आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं आप उसे डिले कर रहे हैं आप उसे टाल रहे हैं कि भाई खर्चा अभी मत शो करो खर्चा अगले वाले सालों में बांट दीजिए उसको टाल दीजिए डिले कर दीजिए आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए सो दो चीजें सीखी अभी हमने सेवर सीखा सेवियर सीखा एक तो ये हो गया उसके बाद हमने सीखा है डेफर जिसका मतलब है पोस्टपोन करना ठीक है पोस्टपोन के लिए एक आपका फ्रेजल वर्ब रहता है पुट ऑफ पुट ऑफ का मतलब भी वही हो गया कि टाल दिया तुमने उस चीज को अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम द वर्ड इज अ वर्जन आपको बताना है सिनोनिम व्हाट इज अ वर्शन पहला ऑप्शन है अग्रेशन अग्रेशन का मतलब क्या है कि भैया गुस्सा समझते हो गुस्सा समझते हो अगर आप अग्रेसिव हो तो आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो गुस्सा आ जाता है ऑप्शन नंबर बी कहता है असर्शन असर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें असर्ट का मतलब क्या था आप विश्वास से कॉन्फिडेंस से एक बात को बोलते हैं जिस बात को बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम assertion बोलते हैं तो assertion एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप विश्वास करते हैं ठीक है डिसलाइक क्या होता है कि आप किसी को पसंद नहीं करते यू डोंट लाइक अ पर्टिकुलर थिंग सो यू डिसलाइक इट आपको अच्छी नहीं लगती और इम्प्यूडेंस क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रूड है बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करता है उसे हम बोलते हैं कि भैया ये व्यक्ति क्या है ये व्यक्ति है इम्प्यूडेंट इम्प्यूडेंट क्या है एडजेक्टिव उसमें कौन सी क्वालिटी है उसमें इम्प्यूडेंस है ठीक बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर्स मिल रहे हैं मुझे काफी सारे तो नहीं बट काफी जैसे अवर्जन देखिए अगर अगर आप अवर्सिव है देखिए एक व्यक्ति क्या होता है अवर्सिव होता है अवर्सिव टू समबडी एल्स मतलब इफ आई एम अवर्सिव टू यू मतलब आई डोंट लाइक यू बट ऐसा नहीं है आई लाइक यू जिन एवरी वन ऑफ यू है ना सो so, यहाँ पर आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर से यानी जब आपको कोई चीज पसंद नहीं है कुछ पसंद नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम फिर तो अग्रेसिव भी होना चाहिए बेटा अग्रेसिव इज गुस्सा होना चिढ़ गए तुम एकदम से कुछ भी एक्ट कर दिया है ना तो अब वर्जन का मतलब गुस्सा होना नहीं तुम गुस्सा नहीं तुम बस बोल रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं है तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी विच इज डिसलाइक राइट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम्म ये तो काफी आसान वर्ड है टाइगर जिंदा बिल्कुल करेक्ट है एक्सेलेंट जॉब एवरीबडी देखिए एसपी का अर्थ क्या है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम अपने देश के जासूसों को भेज रहे हो दूसरे देश में क्या करने के लिए ऑब्वियसली कि तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए या तो उनकी सरकार से रिलेटेड या उनकी राजनीति से रिलेटेड या फिर उनकी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड मतलब तुम्हें कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरे देश के बारे में तो यानी आपने क्या किया है आपने स्पाइज का इस्तेमाल किया है स्पाइज का मतलब क्या होता है उनका मतलब होता है जासूसों का इस्तेमाल किया है. एक ही ऑप्शन में ये मैच कर रहा है विच इज़ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या लिखा है परसेप्शन परसेप्शन क्या होता है परसेप्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग जब आप किसी चीज को समझते हैं अपने सेंसेस के द्वारा यानी कि आपने देखा उसको या सुना उसको या महसूस किया फील किया उसे हम परसेप्शन बोलते हैं राइट हिप्नोटिज्म क्या होता है तो सबको पता है कि तुम पता नहीं वो क्या ऐसे दिखाते रहते हैं है ना कि आई डोंट नो वट दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली बट बेसिकली एक इंसान को जब तुम तो एक कैसी uh, सिचुएशन में ले आओ कि जहाँ पर वो थोड़ा यू नो स्लीपी स्लीपी सा हो जाए और जैसे ही हिप्नोटिस्ट बोलेगा जो भी वो बोलेगा वो इंसान वही करता है उसे हम क्या बोलते हैं हिप्नोटिज्म बोलते हैं लास्ट वर्ड है डिटेंटे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये इसके स्पेलिंग्स गलत हैं बिल्कुल गलत नहीं है यहाँ पर इसके स्पेलिंग्स यही रहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है कि जब uh, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक्चुअली में ये जो वर्ड है हम कंट्रीज के रिलेशन में इस्तेमाल करते हैं कि जब कंट्रीज के बीच में दुश्मनी ठीक हो जाए मतलब उनके जो रिलेशन हैं वो क्या हो जाए वो अच्छे हो जाए उसे हम डिटेंटे बोलते हैं ठीक है वशीकरण ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम्म जस्ट nice, minute। चलिए वर्ड्स पे चलते हैं पहला जो वर्ड है दैट इज अन इंटेलिजेबल वट इज अन कई लोगों को लगेगा कि वो इंसान जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है बट ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए अगर कोई चीज इंटेलिजेबल है इसका मतलब है कि वो आसानी से समझ में आ रही है ठीक है यानी कि आप उसको समझ पा रहे हो आप उसे एक्सप्रेस एक्सप्रेस तो नहीं देन आप उसे समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेबल अन का मतलब क्या है कि आप उसको आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं ठीक है कान बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है इनएफेबल यही होता है ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी कहता है जस्ट अ सेकेंड ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इलेजिबल अगर किसी की एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज तो so, सॉरी यहाँ पर एक कॉल आ गई ही थी हमको डी के लिए इंग्लिश का प्ले बना दीजिए आई थिंक प्ले बना हुआ है आप चेक कीजिए प्ले लिस्ट डेफिनेटली बना हुआ है चलिए दोबारा वर्ड्स पे की डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी कहता है एलिजिबल अगर किसी की हैंड राइटिंग एलिजिबल है यानी आप उसको समझ नहीं पा रहे आप उसको पढ़ नहीं पा रहे इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है वॉट इज एक्सप्लीकेबल एक्सप्लीकेबल है कि आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं है ना समथिंग विच कैन बी एक्सप्लेनड इज कॉल्ड एक्सप्लीकेबल इनएक्सप्लिकेबल क्या है कि आप उसको नहीं समझा सकते राइट right? अब ये जो वर्ड है गिवन आपको दैट इज इनएफेबल इनएफेबल का अर्थ क्या होता है कि यार एक चीज इतनी महान है इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप उसमें आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते दैट पर्टिकुलर थिंग के नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स दैट के नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स दैट इज वट यू कॉल इन ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट जो सूटेबल वर्ड है वो क्या है दैट इज इन एक्सप्रेस इन एक्सप्रेसिबल यानी कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इन एक्सप्रेसिबल या इन एफेबल ऑल राइट हाई जोशी गुड इवनिंग वेलकम टू आवर चैनल अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स ओके आई थिंक अगले कुछ क्वेश्चंस में देर आर सम मतलब क्वेश्चंस जिसमें गलती है किसी भाग में तुम्हें बताना है कौन से भाग में गलती है जल्दी से पढ़ेंगे उसको ये मत बोल देना आई डोट थिंक इट्स अ गुड आई डोंट नो बट आई डोंट फील इट्स यू शुड नो ना व्हाट इज इट टू यू वॉट इट मीनस टू यू आपको पता होना चाहिए स्टाइल नहीं मारना वहाँ जाके सवाल देखिए, कहता है एक foreign citizen के लिए जब दरवाजे बंद करना असली में दरवाजे नहीं बंद करने कि उनकी मदद ना करना सीकिंग एम्प्लॉयमेंट सीकिंग का मतलब क्या होता है फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब है नौकरी इन इंडिया द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे रूल्ड दैट रूल्ड का मतलब उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि इट इज नॉट अ फॉरिन नेशनल्स फंडामेंटल राइट right. ये फॉरेन नेशनल का फंडामेंटल राइट right नहीं है कि भैया तुमको इम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा देश के अंदर तो यहाँ पर देखिए गलती कहाँ पर है बहुत सिंपल है अंकित डी डी ए जे का सिलेबस बहुत बड़ी मैंने डिस्कस uh, किया है यूट्यूब पे और डेफिनेटली कोई वीडियो भी होगा प्रॉबेबली मैंने ही शायद उसके बारे में बताया होगा डी डी ए जे ई आप टाइप कर लो इंग्लिश सिलेबस आगे लिख दीजिएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन उसमें आपको मिल जाएगा बिल्कुल करेक्ट है हाय विशाल यहां पर देखिए एक फॉरेन नेशनल का हक नहीं नेशनल का मतलब क्या है फॉरेन में रहने वाला तो उसका हक नहीं है जब हमने किसी का बताना होता है तो हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं यहां पर हमने कहीं पर भी नहीं लगाया यहाँ पे होना चाहिए नेशनल अपोस्ट्रॉफी एस गलती है ऑप्शन नंबर डी में ऑल राइट right, अगले सवाल पर चलेंगे इसको थोड़ा सा इसके पॉइंट को बढ़ा देते हैं आई थिंक Norms में गलती है नॉम्स में क्या गलती है चलो यहाँ पर देखते हैं अट्रेशन देखिए अट्रेशन का मतलब क्या होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन से उसके जो इंप्लॉइज हैं, वो चले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर हैपनिंग को हम बोलते हैं अट्रेशन

प्रिपेयर फॉर फ्यूचर या दे शुड बी वैसे यहाँ पे क्या सूट करेगा कि उन्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए सो दे आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बैंक को फ्यूचर के लिए आने वाले कल के लिए क्या हो जाना है उनको प्रिपेयर हो जाना जैसे यू शुड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम तुम्हें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए हो जाना चाहिए तो हम क्या बोलते हैं शुड बी प्रिपेयर बोलते हैं शुड बी प्रिपेयर नहीं बोले बोलिएगा आंसर है ए ऑप्शन अगले सवाल पर चलेंगे ठीक हम्म कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं क्या बोल रहे हो नॉर्म ही है नॉर्म्स नहीं है चलिए बहुत बढ़िया देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जज एडवाइज जज ने सरकार को एडवाइस किया टू हाफ मीटर्ड ऑटो रिक्शा याद किया ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसको वेट करवाया और फिर वेट करवा कर सौ रुपये भी डिमांड कर लिए देखिए जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं सपोज करो आपने अपने दोस्त से झाड़ू लगवाया ठीक है तो क्या बोलोगे I made my friend sweep the floor. यानी कि जब आप किसी से कोई काम करवाते हो या कोई भी व्यक्ति किसी से कोई काम करवाता है तो आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस में टू नहीं लगाते मतलब आप ये नहीं बोलोगे आई मेड माई फ्रेंड टू स्वीप द फ्लोर ये गलत हो जाएगा बिल्कुल गलत है ये हम टू इस्तेमाल नहीं करते लेकिन यहाँ पर देखो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने वेट करवाया नहीं होगा क्योंकि हम टू लगाते ही नहीं है मेड हिम वेट उसने उससे खाना बनवाया ही मेड हिम कुक उसने उससे बर्तन मंजवाए सो ही मेड हिम वॉश द यूटेंसिल्स लाइक दैट जज को सरकारी गाड़ी मिलती है तब पता है तुम्हें तो गलती किधर है गलती है ऑप्शन नंबर ए में एक्सेलेंट जो आप अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अगले फिर से कुछ जो हमारे क्वेश्चन हैं पर बेस्ड है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज रिसेंट जल्दी से देखिए थोड़ा अलग सा वर्ड है शायद पहले कभी नहीं सुना होगा एंटोनिम hmm. बताना है तुम्हें सीजीएल में आया था ये पास ये पास पास कौन खेल रहा है पे है चलो किसी कोई भी आंसर नहीं दे रहा ठीक है भाई चलो जो वर्ड है रिसेंट पहले तुमने पास कर दिया स्किप कर दिया आगे से मत करो देखिए जब आप किसी चीज़ को रिसेंट करते हैं जैसे कि कोई रूल है कोई लॉ है कोई कानून है कोई अग्रीमेंट तुमने साइन किया था कोई ऑर्डर है अगर आप उसे रिसे, रिसेंट करते हैं यानी कि आप बोल हो कि भैया इसको कैंसिल कर दो यानी कि इसको हटा दो और जब हम लॉ को हटाने की बात करते हैं अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा विच इज़ रिपील लॉस को क्या किया जाता है रिपील किया जाता है यानी उसे क्या कर दिया कैंसिल कर दिया यानी उसे क्या कर दिया उसको रिसेंड कर दिया उसे रिवोक कर दिया इसके लिए एक और वर्ड रहता है विच इज़ एब्रोगेट कर दिया कि भैया अब इसकी कोई मान्यता नहीं और किसको करते हो कोई भी कानून को कोई भी रूल को कोई भी ऑर्डर को या कोई अग्रीमेंट तुम साइन कर बैठे थे लेकिन अब उसकी पालना नहीं करना चाहते हो तो बोलते हो कि भैया बबाई हमसे नहीं हो पाएगा ठीक ऑप्शन उप्षयन, ऑप्शंस देखते हैं देखिए राइवल का मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारा राइवल इस चीज़ के अंदर यानी कि तुम्हारा कॉम्पिटेटर कौन है या फिर तुम्हारा जो एनिमी है तुम्हारा जो दुश्मन है वो कौन है एक वर्ड है प्रिक्लूट प्रिक्लूट का अर्थ क्या होता है जब आप कोई चीज होने से रोकते हैं यानी वेन यू प्रिवेंट हैपनिंग कोई चीज होने से रोकने को आप लोग क्या बोलते हो प्रिक्लूड बोलते हो राइट right? एक वर्ड है चिकेन शिकेन जो भी उसको बोलना है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है कि देखो रेसिस होती है ना मतलब जो ये कार वार की रेसिंग होती है तो उसके अंदर एक होते हैं बेंड्स बेंड्स का मतलब क्या होता है मोड़ वो लोग क्या करते हैं वो दो मोड़ यू you नो know, तीखे तीखे दो मोड़ वहां पर लगा देते हैं ऑब्स्टिकल्स की तरह लेटर से एक मोड़ ऐसा है और फिर साथ ही में एक दूसरा मोड़ है तो यहाँ पर ये दो मोड़ हो गए जो भी जो से भी मोड़ है इससे हम क्या बोलते हैं शिकेन बोलते हैं यानी कि डबल बेंड्स बेंड्स का मतलब क्या है मोड़ आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए विच इज डेलीगेट डेलीगेट का अर्थ क्या होता है जब आप अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट कर देते हैं यानी कि आप अपने टास्क को अपने काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डेलीगेट करना असाइन करना आप हटा नहीं रहे हो आप तो सौंप रहे हो है ना मतलब आप किसी और को कोई और काम दे रहे हैं तो आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए हटा नहीं रहे हो आप तो आगे दे रहे हो आंसर इज डेलीट अब प्लीज को याद रखो रिसेंट का अर्थ क्या है किसी भी लॉ रूल को कानून को हटाना कैंसिल करना रिपील करना एब्रोगेट करना रिवोक करना ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगले सवाल पर चलेंगे जी ठीक याद रखिए हम एंटोनिम्स कर रहे हैं सिनोनिम मत बता दीजिए टिमिड का तुम्हें एंटोनिम बताना है ये तो आसान है चलिए टिमिट का मतलब क्या होता है डरपोक होते हैं ना कुछ लोग कॉकरोच से भी डरते हैं वो कुछ लोग मैं और छिपकलियों से भी so, तो टिमिट मतलब डरपोक व्यक्ति है यार वैसे तो मैं बहुत बोल्ड हूं बट इन दो प्राणियों से हमको बहुत डर लगता है सो so, मुझे डर पो का विपरीत शब्द बताना है सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट रिमार्क अगर आप किसी पर रिमार्क करते हो मतलब यू आर पासिंग अ कॉमेंट ऑन दैट पर्सन ऑन दैट टॉपिक ऑप्शन नंबर सी है फ्यूरियस यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है एंग्री हो जाता है आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी विच इज बोल्ड बोल्ड का मतलब क्या होता है अगर कोई बोल्ड है यानी कि वो क्या है वो ब्रेव है वो है बहादुर आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुड जॉब अगले सवाल पर चलेंगे <laughs> ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बताओ The word is bride, very good. Bride क्या होता है दुल्हन तो उसका विपरीत क्या होगा भाई दूल्हा ठीक है तो बेसिकली मैंने ये वर्ड क्यों मतलब ये क्वेश्चन क्यों डाला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ब्राइड का ऑपोजिट नहीं पता होता ब्राइड वर्ड का वो ब्राइड वर्ड का मेल ब्राइड कुछ ऐसा नहीं भैया ब्राइड ग्रूम बोलते हैं उसको ठीक है आप ग्रूम भी बोल सकते हो या फिर ब्राइड ग्रूम भी रहता है मतलब दुल्हन का दूल्हा भी इसी के लिए चलिए चेयर का मतलब क्या होता है इफ यू चेयर फॉर समबडी यानी कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो उनके लिए खुश हो रहे हो उनको इनकरेज कर रहे हो उन्हें मोटिवेट कर रहे हो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है रोकना एक ऑप्शन है ए ऑप्शन में देखिए वर्ड लिखा है विकिट विकिट का मतलब क्या होता है एक व्यक्ति जो दुष्ट है यानी वो क्या है वो है विशियस विशियस के स्पेलिंग्स देख लो वी आई सी आई ओ यू एस विशियस मतलब वो मॉरली रॉन्ग है ठीक है और इसे आप क्या बोल सकते हो वो ईविल है या फिर वो क्या है sinful, मतलब पापी है ये व्यक्ति ये बेटा मैं कैसे हेल्प करूं ये तो जहां से आपने परचेज किया है ना वहां पे एक नंबर होगा टीम सो वो टेक्निकल टीम आपको उसमें हेल्प कर सकती है वहां पे जहां से आपने परचेज किया है उसी पेज पे नंबर लिखा हुआ है आप वहां पर देखिए अगले सवाल पर चलते हैं बेस का तुमको बताना है विपरीत बहुत इजी है बेस का मतलब कि बेस ही हुआ ना मतलब कि नीचे लोअर लेवल तो आंसर क्या होना चाहिए अपर लेवल जल्दी से बताओ चलिए विंडिकेट का मतलब क्या होता है विंडिकेट का मतलब वही है कि आपने किसी को इल्जाम से रिहा कर दिया इल्जाम से रिहा कर दिया वही आपका हो गया भैया एक्विट हो गया एक्सपल्केट हो गया एक्सकल्पेट बोलना था एक्सकल्पेट हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या है एक व्यक्ति जो क्या है खर्चीला भाई कुछ भी दस हजार के जूते खरीद रहा है बीस हजार की घड़ी खरीद रहा है वो है व्यक्ति खर्चीला डोंट बी अ अफ्ट यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है अप्लौड, अप्लौड का मतलब है आप किसी के लिए तालियां बजा रहे हो तारीफ कर रहे हो उसे प्रेस कर रहे हो वाह जीवा कमाल कर दिया तुमने आंसर देखिए क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी विच इज समिट बेस का मतलब क्या होता है लोअर लेवल है ना समिट का मतलब क्या होता है

अगले सवाल पर चलेंगे जी वर्ड है पर्टनेस पर्टनेस का आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है वेरी गुड देखिए अगर कोई व्यक्ति पर्ट है या फिर उसमें पर्टनेस है तो उसे हम क्या बोलते हैं बदतमीज है वो है ना बदतमीज ये रूड वर्ड के लिए आपको एक और वर्ड भी करवाया गया था विच इज इम्प्यूडेंस इम्पर्टिनेंस मतलब ये रूडनेस हो गया या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं इम्प्यूडेंस बोल सकते हैं या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं इम्पर्टिनेंस भी बोल सकते हैं ठीक है यानी कि एक नेगेटिव वर्ड है एक्नॉलेज का मतलब क्या है किसी चीज़ के होने को मानना कि आई एम एक्नोलेजिंग द फैक्ट मैं इस बात को मान रही हूँ इसको तव, मतलब बोल रही हूँ कि हाँ ये सही है ऐसा है टेम्प्रेरी का मतलब है कुछ ही देर के लिए जो होता है एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा वेगेंटली पैसा खर्च खर्चता है मतलब अगेन वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहा है मतलब हुआ वो भी राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी विच इज मॉरेस्टी मॉरेस्टी का मतलब क्या है कि भाई इंसान जो है वो वेल मैनर्ड है वो वेल बिहेव्ड है उसको पता है कि दूसरे से बात कैसे करनी है ठीक है हम्बल है और अपने आप को ज़्यादा समझता नहीं मॉडरेस वही होता है कि टाउन टू एर्थ है कुछ उसमें नाटक नहीं करता तमीज़दार है उसे मॉडस्ट बोलते हैं ऑलराइज़ ठीक है सो गाइस दिस वाज़ योर सेशन दिस वाज़ अ सेशन विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन वोका काफ़ी सिननिम्स एंटनिम्स एंड वन वोट सब्सिट्यूशन का तो एक ही सवाल था हालांकि एंड कुछ एरर्स के सवाल भी किए कल मिलते हैं सेम टाइम के लिए सेम uh, टाइम पे मेरी दूसरी क्लास है सो आई जस्ट हैव टू तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड पेड बैच वाले स्टूडेंट